एक पेड़ की डाली पर दो हंस रहते थे। उनके एक बच्चे थे जो काले रंग का थे। उसे रोज भला बुरा सुनने को मिलता था। कुछ दिन बाद एक और बच्चा हुआ जो सफेद रंग का हुआ था। एक और बच्चा आने के बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वह काले रंग का था और वह एक जंगल में जाकर रहने लगा। अगर आप इंडिया से हो और इसका थोड़ा बहुत सम्मान करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लें। तभी वहाँ पर एक बिल्ली आई और हंस के परिवार को एक एक कर खाने लगा। उसकी मम्मी जैसे तैसे कर उड़ गई। तभी एक पक्षी ने काले हंस को सूचना दी। काले हंस ने जैसे सूचना सुनी उसकी माँ के पास आ गई और उसकी माँ ने सारी बात बताई और वह रोने लगी। तभी उसके काले हंस ने गले से लगा लिया और कहे मम्मी मेरे साथ चलो। तभी वहाँ पर एक अचानक वही बिल्ली फिर आई और कहने लगा कि अब दोनों को खाऊंगा, मुझे लगा तुम एक ही बचे थे। इसी वक्त उसके दोस्त ने आया और उस बिल्ली को नोच नोच कर अब दोनों हंस खुशी से रहने लगे।